हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और हमारे नए और फ्रेश ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ब्लॉग मेरा दूसरे चैनल पे आया है, ठीक है। मेरा एक और चैनल है जो कि है मिस्टर टाइगर नाम से, जिसपे मैं गेमिंग करता हूँ पबजी की। और ये चैनल मैंने क्यों शुरू किया है, क्योंकि मैं पबजी से भी फिलहाल तो बोर हो रखा हूँ, तो मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये चैनल भी मैं रेगुलर चलाऊँगा। उम्मीद है मुझे कि एक हफ्ते में इस पर दो ब्लॉग तो एटलीस्ट डाल ही दूंगा मैं। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पे मैं उम्मीद है कि दो व्लॉग एक हफ्ते में डाल ही दूंगा, दो या तीन व्लॉग। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रेगुलर डाल पाऊँगा, क्योंकि रेगुलर व्लॉग डालना हर किसी के बस की बात होती नहीं है, और मेरे बस की तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं इतना आलसी हूँ। इस चैनल पे सारे न्यू व्लॉग आएंगे, ठीक है। जो पुराने व्लॉग पड़े हुए मेरे पुराने चैनल पर, उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आगे चल के उनको रीअपलोड कर दूंगा। अभी मुझे नहीं करने हैं, ठीक है। सारे व्लॉग नहीं होने वाले हैं, फिलहाल मैं अपने गाँव में आया हुआ हूँ, और उधर जो पीछे चल रहे हैं लोग वो शूट कर रहे हैं अपनी वीडियोस, क्योंकि वो कॉमेडी चैनल है उनका। वो एक कॉमेडी चैनल है जो मेरे पुराने चैनल के चैनल्स में जाके मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो वहाँ अभी कॉमेडी की वीडियो शूट हो रही है, और हम लोग अभी मेरे खेतों की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पे जो है मेरे खेत हैं कुछ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। जो वो पीछे पेड़ दिख रहा है, ये उंगली के जस्ट ऊपर वाला पीछे वाला, इसी पेड़, ये पेड़ मेरे ही खेत में है जिसमें कि धान हो रखे हैं। फिलहाल मैं गांव में आया हूँ, और हम लोग आज शाम को दंगल देखने जाने वाले हैं, तो वो भी मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, वैसे तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत होती नहीं है, तो हम पक्का शूट कर लेंगे। और इस चैनल को आपको बहुत प्यार देना है। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पर हम 6 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत ईजी है हमारे लिए, ठीक है। और जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, स्ट्रीम दोबारा होगी और कुछ टाइम बाद होगी। अभी फ़िलहाल में यार ये नहीं है कि मैं पबजी नहीं खेल पाता हूँ या नहीं खेलना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बोर हो चुका हूँ यार। 3 साल से लगातार पबजी खेल के मैंने उस चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं। अभी मैं नहीं खेलने वाला हूँ कुछ दिनों तक, जब तक गाँव में हूँ। मैं ऐसे ही आपको व्लॉग्स दिखाऊँगा। उम्मीद है मैं अगला व्लॉग पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये व्लॉग 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। आज का, कल का, कल शाम तक का मिलाने के बाद मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे नेटवर्क आते नहीं है, और ये वीडियो भी फ़ोन से ही शूट हो रही है, क्योंकि फ़ोन से ही शूट करूंगा मैं। तो अभी चलते हैं उधर जहाँ पे है ना शूटिंग चल रही है, और इंट्रोड्यूस आपको अभी नहीं करा रहा मैं किसी से, बाद में कराऊँगा, ठीक है। और फिलहाल अब घर निकलेंगे हम लोग, घर जाके देखते हैं कि क्या खाने में बनाए शाम के लिए। और फिलहाल तो पता है गाँव इतना डेवलप हो गया कि फिंगर चिप्स भी गाँव, मतलब फिंगर चिप्स क्या वो क्या बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं कुछ लोग फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, वो भी गांव में मिलने लग गए अब मेरे। और ये पानी वगैरह इसलिए भरा हुआ है रोड पे, क्योंकि बहुत बारिश हुई है आज, ठीक है। तो चलिए घर चलते हैं अब। और मुझे उम्मीद है आप लोग भी कोरोना में ख्याल रख रहे होंगे अपना, क्योंकि गाँव में तो कोविड जैसी कोई चीज़ है नहीं, इतनी हरियाली जो है, ज़रा देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस कीड़े का नाम जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हो। दोस्तों जिनको नहीं पता, गांव में 10 रुपए के मिलते हैं 4 समोसे। साइज है अपना ये वाला, ब्रिन उठा के दिखा, 10 के कितने? 4। दो ये 2 है, ये 20 के 4 हैं, ये वाले 2 हैं। और हम 4 वाले भी दिखाएंगे अगर लखौरा तक जाना पड़ गया तो, लेकिन साइज ठीक है शहर के हिसाब से। शहर में तो भैया कितने का, 16 के 2 समोसा आया टाइम, बिना रपटे आइयो, रपट जाते तो हो जाता नुकसान।
जाती, जब लग जाती तो थक जाती। तो दोस्तों ये है अपना घर, जो लोग पहले चैनल पे जुड़े हुए उनको पता है। आयो ये हमारी मम्मी, ये हमारी पप्पू। हेलो करो मम्मी, हेलो तो करो पहले, तब बताइए। हेलो अरे ऐसे हेलो कर दो। हेलो चिकू, चिकू पापा बुला रहे। पापा चिकू ये क्या है? सो रही। अरे दंगल देखने जाए हम तो। क्या? दंगल देखने जाऊंगा। तू जा रहा है? तू पहले वो हेलो भाई। दंगल देखने जाऊंगा मैं, और तभी सारा सामान ले आऊंगा जो बताया। पता है 5 बज रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? दुकान तो ये गांव थोड़ी ना, मतलब 1-1.5 घंटा बचा होगा बस। कोई दिक्कत ना? काम हो गया पूरा। नहीं हम डायपर मोड़ लेके आ। देखो एक हमें डायपर लाना है, एक हमें सीएफएल लेके आनी है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जब मैं अलीगढ़ से आ रहा था तो मेरे साथ एक ही वारदात हुई है कि एक बाइक वाला इससे टकरा गया है। और जो वो टकराया तो मेरा ये अंदर हो गया, जिससे मुझे पता नहीं पड़ा कि ये मेरा निकल चुका है। अगर मुझे पता होता निकल चुका तो मैं गाड़ी रख के देख भी लेता, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला और ये यूं हो गया था, बस बंद हो गया था। अब इसका नया कवर मुझे लेना पड़ेगा अलीगढ़ में जाके। अगर किसी को पता हो कितने का आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा ज़्यादा खर्चा हो जाए। टूट ही जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरी गांव वाली बाइक। जिन लोगों को नहीं पता है, मतलब अलीगढ़ में मेरे पास अपाचे और गाँव में मेरे पास है सुजुकी हयाते, ऐसे ही नहीं चलाते, जिसको गारा बाहर निकाल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, गारा टीममेट हमारा पबजी का, रियल नाम प्रवीण राजपूत। अब निकल जावे यार, अब थोड़ी ना दिक्कत होगी। निकालो यहाँ से पहले, मैं उधर ही बैठेंगे। यहाँ तक बैठ के मैं उधर से आऊँ फिर, ठीक है? मैं कहा दूसरे दरवाजे से निकल जाता हूँ, क्योंकि दो दरवाजे मेरे घर में हैं। चिकू तुम चलोगे? मैं तुम चलोगे? ये कहा दूसरा दरवाजा। गाड़ी 60 से ऊपर ही रहा है। अरे नागिन बना दूंगा, नागिन। मजाक कर रहा हूँ, डायपर लेने कि पहले दंगल देखोगे? बताओ पहले दंगल देख के आ रहे, तब डायपर नहीं आए। लौटते हुए सीएफएल पक्का मिल जाएगी है। अच्छा पता है ये गांव में भी तरक्की होने लग गई है, मंदिर बनवा रहे हैं वो। अच्छा तो तुम्हें तो क्यों तरक्की होने लग गई है? देखो ना सामुदायिक शौचालय। हरियाली बहुत है प्रवीण अपने गांव में है, इसीलिए पता है ये एरिया ग्रीन जोन बोला जाता है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आ नहीं सकती फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को लॉस होता है ना फिर, क्योंकि अनाज भी तो यहीं से जाता है उगके। नंदी नगर कितनी दूर है? बहुत दूर है नंदी नगर। तो कितने है नंदी नगर? मंदिर तक तो उधर सीधे पल्ली। कितनी दूर है वहाँ तक मंदिर? थोड़ी दूर है यार नंदी नगर। चलो बारे तो चलो ए भाई, इतनी दूर जाना नहीं है दंगल देखने। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, पता है दोनों की फुक जाएंगी बाइकन की। चिल्ली खा के आ रहे, चलो फिर चलो। कहाँ पे? कहीं पैदल है क्या हुआ? चलो हम पे हैं, चलो पहले लेकिन सामान लेंगे। पता चली मेरे को था सामान नहीं, फिर क्या हो रही? सामान नहीं है, क्या क्या लेने? एक डायपर, एक नॉर्मल बल्ब और एक सीएफएल, क्योंकि अभी बिल तो आता नहीं। प्रवीण आता है? मम्मी तो कह रही है हमारा बिल ना निकलते हुए।
बताना है कि वो निकलते निकाल तो आना है, ये नहीं पता मुझे, पर आता है। तुम्हारा निकल के आता है मीटर में से? मैं निकलवाता ही नहीं, मैं खुद निकालता हूँ और जमा कर देता हूँ ऑनलाइन। कितना जमा करते हो? तो कर देता हूँ लगभग, वो कुछ कह रहे थे 200-300। ड्राइवर CFL जा पे ना मिलेगी? वो गए जा पे ना मिलेगी? बोलो गए का ना, वही मिलेगा आगे तो उधर मिलते हैं क्या फ्रेंच फ्राइज? अच्छा दंगल तो ना दिखा सकत, पहले की में दंगल ना हो पाई है। क्या नहीं हो पाएगी? दंगल शूट नहीं कर सकते। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कल दंगल शूट जाए अगर कल यहाँ होता है तो, हमारे गाँव के पास इतना दूर जाना नहीं है। बात ही है मुझे, पेड़ कितना बढ़िया है। तो गाइस फाइनली गांव में इतनी ढूंढने के बाद हमें एल साइज के डायपर मिल ही गए। बैठू ना तुम पहले मुड़ा ही लो। इसमें CFL मिल जाती है बस तुम्हें पूछना। तो दोस्तों हम लोगों के दो काम हो चुके हैं, एक काम अभी रह गया है और जो है दंगल वाला वही रह गया है। यहाँ पे हमको बल्ब भी मिल चुके हैं, हमारे को डायपर भी मिल चुका है एल साइज का, तो वैसे हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब दिक्कत है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा बल्ब क्यों लेके जा रहा है आज के ज़माने में जब 8-9 रुपये यूनिट चलती है बिजली। तो भाई ऐसा है, मेरे गाँव में मतलब मीटर लगे हुए हैं लेकिन उनसे कोई बिल निकलवाता नहीं है, तो बिल आता भी नहीं है किसी किसी का। तो जो लोग जाते हैं बिजली का वो बस अपना सेटलमेंट कराते हैं, इसलिए हम लोग ये बल्ब यूज़ कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैंने CFL ही मांगा था, उस पर था नहीं। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज खाने, क्योंकि गांव में भी तरक्की हो चुकी है, यहाँ पे आपको फ्रेंच फ्राइज देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे, सूंघने को भी मिलेंगे अगर पैसे ना हों तो। चलो देवा देख रहा चिड़िया चाउमीन खा रही है भाई साहब। कौन है? पकड़ लो। ना मत पकड़ लो, चलो चाउमीन खा लो या फ्रेंच फ्राइज ना। तो भैया ने बना ली बढ़िया सी। घर के लिए पैक करा लिया मोरता। क्या रुपये प्लेट भैया? सही है। भैया कितनी प्यारी लग रही है, बन के तैयार है, मुंह में पानी आ गया मेरे, अब जल्दी जल्दी दे भाई। बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके वाजे तुम्हारे ना आ रहे हो तुम तो, हमें लग रही निकरे भरेंगे वाली दांत और लार सब। देखने में बढ़िया लग रही है, खाने में पता चलेगा, ये खाने में टेस्टी लगेगी। हम
तो गाइज हम खा चुके हैं यहाँ पे चाउमीन और घर चल चुके हैं यहाँ से। और मैंने घर के लिए अंडे 4 और चाउमीन 3 प्लेट। देखते हैं घर पे सबको अच्छे तो लगने चाहिए। मैं तो भाई पहली बार यहाँ की चाउमीन खाई थी तो मुझे तो ठीक लगी। 10 रुपये प्लेट के हिसाब से बहुत अच्छी है, शहर में 30 रुपये प्लेट के हिसाब से बहुत बेकार है। ये बहुत घटिया है। अच्छा हाँ, लकोरा चले खाते ना मजे आ जाते। सही, कल चल लेंगे। वैसे भी कोई काम नहीं है, जब भी मौका मिलेगा सुबह लकोरा चल लेंगे। कल तो मैनपुरी जा रहा है ना। हाँ मैनपुरी जाना पड़ता तो चलेंगे। ठीक है, अगर तुम अगर कल बारिश नहीं तभी तो बारिश में थोड़ी ना तुम ले आओगे। बारिश थोड़ी होनी है। कागा पहले बता, तुक्का मारो अमित, तुक्का मारो कागा है ये। हाँ देखो फ्रेंच फ्राइज तो मिले ही ना रजनी, उसके यहाँ पे भी अलीगढ़ वाला हिसाब है, उसके खत्म हो गए थे सब फ्रेंच फ्राइज। भाई आलू होते हैं लाल लाल लंबे लंबे, जब किचन में लगाने के लिए। तुम्हें चाय बनाई है? 56 रुपए की लाए हो गया। हाँ तुम्हें चाय बनाई है? सबसे तो मैं ले चुकी रही हूँ। कितनी बड़ी गलती की हमने, थोड़े से कहाँ है चिकू? राम राम करियो। देखो आगे आगे कछु पैर में लग जाए। राम राम करते हो? राम राम, बाय बाय, बाय बाय करते पी लेंगे। थोड़ी थोड़ी दे दो, वैसे सबके थोड़े थोड़े भर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दी हूँ। रोटी बताओ, रोटी बन गई है, चावल बन गए। अभी ना एकदम रात हो चुकी है, खाना पीना खा के मैं तो टंचू। मेरे घर में सब लोगों ने खाना खा रखा है और अभी टाइम है सोने का। और ये व्लॉग अभी कल का और शूट करूंगा मैं, और हो सकता है ना भी करूं, ठीक है, मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये व्लॉग मैं डालने वाला हूं, कन्फर्म है। और देखते हैं अब तक कब तक मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।